हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दिस चैनल आज हम बात करेंगे कि फॉल्स टाइमलाइन क्या होती है और वो ट्विन फ्लेम को किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकती है हर किसी की रियलिटी में आप एग्जिस्ट करते हो किसी ना किसी तरीके से और जितने लोगों से आप डेली रूटीन में मिलते हो उनसे भी आप उनकी रियलिटी में कहीं ना कहीं टाइप इन होते हो जैसे ही आप किसी से बात करते हो या किसी से कोई कनेक्शन बनाते हो किसी से कोई आपको अपनी स्टोरी सुनाता है या कोई आपसे कोई डिस्कशन करता है किसी चीज़ को लेकर तो ट्विन फ्लेम्स के लिए फॉल्स टाइमलाइन वो होती है जहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ़ ऑल किसी से अपनी ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में डिस्कस किया या आपके ट्विन ने आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में किसी से डिस्कस किया और आगे से उनको रिस्पांस मिला ये नॉनसेंस है ये ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती और कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज आपने वो रियलिटी को अपने अंदर आ, एग्री करा और कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर उसको एक्सेप्ट करा तो अब उस इंसान की रियलिटी में कहीं ना कहीं टैप इन हो जाएंगे क्योंकि देखिए जिस इंसान ने ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की सोल कनेक्शन क्या है सोल कनेक्शन आपका अपने ट्विन के साथ अननोन को देखना है अननोन को एक्सपीरियंस करना है जो थ्री डी रियलिटी में नहीं एग्जिस्ट करता तो जैसे ही आप किसी से डिस्कशन करते हैं या आपका ट्विन डिस्कशन करता है आप और आपका ट्विन दोनों ही फॉल्स टाइमलाइन में चले जाते हैं फेक टाइमलाइन में चले जाते हैं जो आपकी ख़ुद की रियलिटी भी नहीं है जो आपका खुद का एक्सपीरियंस भी नहीं है इसी तरह से आप अगर अपने ट्विन को कहीं ना कहीं गुस्सा होते हैं उनसे या उन उनसे नाराज़ होते हैं या इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं आप दोनों के अंदर तो आप फॉल्स टाइम लाइन में चले जाते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें रियलिटी नहीं है ये लो वाइब्रेशनल चीज़ें हैं ये एग्जिस्ट करती हैं बट इसको रियलिटी नहीं बोल सकते ये ट्विन फ्लेम्स की रियलिटी नहीं है आपने अपने ट्विन के लिए आप अपने ट्विन पे गुस्सा हुए राइट तो अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए गुस्सा हैं आप अपने ट्विन को जज कर रहे हैं ज़्यादा टाइम के लिए जजमेंट है वो ऐसा क्यों करता है उसने ऐसा क्यों करा जैसे बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स करते हैं तो आपने फॉल्स टाइमलाइन को ऐसी आ, ऐसी फेक टाइम लाइन को आपने अपने अंदर ग्रो होने दिया जो एग्ज़िस्ट नहीं करती क्योंकि ट्विन फ्लेम्स के बीच एक रियलिटी जो एग्ज़िस्ट करती है वो है लव बाकी जितनी भी लोअर वाइब्रेशनल चीज़ें हैं वो इसलिए ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी पेनफुल होती है बाकी जितनी टाइमलाइंस ये लो वाइब्रेशनल चीज़ें हैं फॉल्स टाइमलाइन इनको बोलते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवाती है आपके ट्विन के साथ इसलिए ही यूनियन बहुत सारे लोगों का मुश्किल होता है इसलिए ही बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं कि ये कनेक्शन किस तरह डिफ़रेंट है तो जब आप अपने ट्विन को जज कर रहे हैं कि तो उसने ऐसा करा आप अपने ट्विन को ब्लेम कर रहे हैं कि उसने ये क्यों नहीं करा आप अपने आप फॉल्स टाइमलाइन को चूज़ करते हैं और जब आप फॉल्स टाइमलाइन को चूज़ करते हैं उधर से आपका ट्विन भी सेम डिसीज़न लेता है और वो फॉल्स टाइमलाइन को चूज़ करता है जो कि उनकी रियलिटी नहीं है इसका और एग्जांपल मैं दे देती हूँ और एग्जांपल ये है कि आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं आप बोलते हैं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता आप उसको इग्नोर कर रहे हैं आप इग्नोरेंस में है कि ये कनेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता ये नॉनसेंस है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता आप रियल जेनुअन ट्विन फ्लेम है आप उसको इग्नोर कर रहे हैं इग्नोर पर इग्नोर कर रहे हैं बार बार इग्नोर कर रहे हैं तो वो क्या होगा कि आपको और आपके ट्विन को एक फॉल्स टाइम लाइन में जा डाल देगा जहाँ पे आप लॉजिकल माइंड को अपनी सोल की आवाज़ अपनी हायर सेल्फ की आवाज़ से ज़्यादा आप अपने लॉजिकल माइंड को जो कि टेम्प्रेरी है सोल कनेक्शन परमानेंट है और ये लॉजिकल माइंड जो है वो टेम्प्रेरी है उसको आप ज़्यादा वेटेज दे रहे हो तो उससे क्या होगा वो भी फॉल्स टाइम लाइन में चला जाएगा और ऐसा नहीं है कि एक ट्विन फॉल्स टाइम लाइन में चला जाता है तो दूसरा नहीं जाता है नहीं दोनों साथ में फॉल्स टाइम लाइन में जाते हैं पहले एक जाता है और दूसरा भी फिर वही चॉइस लेता है बहुत बार इसलिए इसी वजह से बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स मैट्रिक्स में फंसे रह जाते हैं आप बोलते हैं मास्क हमारा मैट्रिक्स में फंसा हुआ है मैट्रिक्स से बाहर नहीं निकल रहा है तो उसकी वजह यही है आपने कहीं ना कहीं फॉल्स टाइम को वेटे दी है और आप जितनी वीडियोस देखते हैं ट्विन फ्लेम के ऊपर मान लीजिए कि वो खुद ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है वो इधर उधर से वीडियोस सुन के बना रहे हैं वो अपनी कंडीशनिंग को आपके ऊपर डाल रहे हैं लव इज़ द ट्रूथ लव इज़ द ओनली ट्रूथ बिटवीन टू इन फ्लेम्स बाकी सब कंडीशनिंग है आप जब कंडीशनिंग को बहुत वेटेज देते हैं कास्टिज्म अपने बीच बहुत सारे टू इन फ्लेम है जो सेम सेक्स कनेक्शन में है उसको वेटेज दे रहे हैं कि ये सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी तो ये आपकी कंडीशनिंग है कि हमारे बीच एज कैप भी बहुत ज़्यादा है तो ये सोसाइटल कंडीशनिंग है इसको आपको वेटेज नहीं देना है क्योंकि ये रियलिटी नहीं है रियलिटी है आप दोनों का जो एक दूसरे के लिए आप लव होल्ड करते हो वो रियलिटी है और अगर आप इन कंडीशनिंग को और इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे और बहुत ज़्यादा वेटेज देंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके और आपके ट्विन फ्लेम के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगा और फॉल्स टाइमलाइन बहुत सारी आ, आप दोनों के बीच क्रिएट कर देगा आपके आसपास के लोग कैसे हैं उनके लव को लेकर थॉट्स क्या है वो क्या सोचते हैं लव को लेकर वो टो इन फ्लेम को लेकर क्या सोचते हैं वो भी बहुत मैटर करता है क्योंकि आप उनके साथ कही न कहीं ना कहीं इंटरवाइन हो रहे हैं चाहे आप एक घर में रहते हैं चाहे आप अलग घर में रहते हैं डेली रूटीन में मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप तो अपने रियलिटी में टैप्ड इन नहीं हैं बट इसको इसलिए बोलते हैं कि डेली रूटीन में अपनी एनर्जी क्लियर करनी जरूरी है क्योंकि आपको नहीं पता कि जो आपके अंदर थॉट है वो आपका है कि और किसी के द्वारा डाला गया है और आप दोनों का आपस में कनेक्शन जो है उसको भी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है अगर आपका ट्विन आपको कुछ बोलता है अगर आपका ट्विन आपको ट्रिगर करता है आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है गुस्सा होना गलत नहीं है वो नेचुरल ह्यूमन नेचर है बट अगर उसको आप परमानेंटली अपने अंदर ग्राजिस की तरह होल्ड करके बैठे हुए हो कि मेरे ट्विन ने तो मेरे साथ ये करा आप फॉरगिवनेस नहीं ला रहे हो तो आप फॉल्स टाइम में टैप डे फिर अपने ट्विन से भी एक्सपेक्ट मत करो कि वो फॉल्स टाइम को छोड़ के आगे आए ओके फॉल्स टाइमलाइन ही एक वजह है एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से आप दोनों का रीयूनियन नहीं हो पाता और जितनी भी आप कंडीशनिंग और थ्री की चीज़ों को वेटेज दोगे इम्पॉर्टेंस दोगे वो सब फॉल्स टाइम लेने क्योंकि रियलिटी आप दोनों का कनेक्शन आप दोनों के बीच लव आप दोनों का जो एक्सपीरियंसेस हैं बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं जो एक की लाइफ में हो रहा होता है वो दूसरे को ड्रीम में दिख जाता है जो एक की लाइफ में हो रहा होता है वो दूसरे की लाइफ में भी हो रहा होता है तो इस तरह से इसी वजह से भी आपको ये कनेक्शन किसके साथ शेयर करना किसके साथ नहीं करना ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है कि लोगों ने बोल दिया सेपरेशन का पेन uh, होता है हाँ कोई बात नहीं बट रियलिटी में जब आप अपने ट्विन से सेपरेशन में आते हो जो पेन होता है ना वो दोनों के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल uh, होता है और कई बार वो बॉडी को एक शॉक में भी डालता है बॉडी भी शॉक में चली जाती है बहुत बार ट्विन फ्लेम्स की जिस वजह से उनको डिजीज़ भी हो जाती है या किसी का मैं सुनती हूँ डायबिटीज़ हो गई किसी को थायरॉय की प्रॉब्लम हो गई अलग अलग डिजीज़ेस सबको कोई ना कोई किसी को अर्थराइटिस हो गया किसी को कैंसर हो गया तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जब आप अपने ट्विन से बहुत सारे पास्ट लाइफ टाइम्स में आपने फॉल्स टाइमलाइन चूज़ करी और आप अपने ट्विन से सेपरेट हुए तो वो आपकी बॉडी को शॉक में डाल देता है वो आपको पास लाइफ की फॉल्स टाइम में ले जाता है जहाँ आप अपने ट्विन के साथ आ, आप अपने ट्विन के साथ सेपरेशन में गए थे इस वजह से आपकी बॉडी शॉक में जाती है इस वजह से सेपरेशन के टाइम ट्विंस बहुत बीमार होते हैं उनके बीच काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं और उनको हील करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपका ट्विन भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम से निकल रहा है तो उनके लिए अंडरस्टैंडिंग बनी है और उनके लिए लव होल्ड करिए एंगर आएगा गुस्सा आएगा अगर कोई बात होती है आप दोनों के बीच एंगर करिए गुस्सा करिए गुस्सा करने में कोई गलती नहीं है बट उसको होल्ड मत करके रखिए होल्ड करके रखना गलत है तो आई होप इट हेल्प्स थैंक यू सो मच